तो जी आज इंदौर में दिखाएंगे आपको कचौड़ी की ऐसी दुकान जहां पर मिलती है 8 से 10 तरीके की कचौड़ियां। भाई यहां पे जो कचौड़ी को अलग किया जाता है, किस तरह से पहचानेंगे वो किया जाता है, चटनी का निशान लगा के, मीठी चटनी का निशान लगाया जाता है, डॉट लगाए जाते हैं और बनाई जाती है रेल की पटरियां। शायद पहली बार सुना होगा आपने कि रेल की पटरी के निशान वाली कचौड़ियां भी यहाँ पे खाने को मिलती है। और सबसे ज्यादा फेमस है इनकी भुट्टे की कचौड़ी। भाई देख लीजिए यहाँ पे कुछ मेन्यू लगा हुआ है और मेन्यू में रेट से काफी नॉमिनल है। लो अंकल कैसे हो? हाँ सर बढ़िया बढ़िया। अंकल तो क्या क्या खिला रहे हो? सर हमारे यहाँ 7 प्रकार की कचौड़ी बनती है, आलू की, भुट्टे की, दाल की, प्याज की, लहसुन की, हींग की, मटर की। इसकी पहचान कैसे करते हैं आप? सर सब पे ये मीठी चटनी का निशान लगा देते हैं, 1 टिकली आलू, 2 टिकली दाल, 3 टिकली प्याज, 4 टिकली हींग, 1 रेल की पटरी लहसुन, 2 रेल की पटरी मटर और भुट्टे सबसे ज्यादा बिकता है, इसलिए उस पर कोई निशान नहीं लगाया। ये सबसे ज्यादा बिकने वाली भुट्टे की कचौड़ी, ये भुट्टे की होती है? हाँ, इस पे कोई निशान नहीं है। इसमें मैदा नहीं होती? नहीं, स्वीट कॉर्न। अच्छा अंदर भरा होता है? अंदर भरा, भरवा होती तो मैदे की। 365 दिन देते हैं हम, और पहले ये कचौड़ी कम बिकती थी, आज की तारीख में नंबर 1 पे चल रही है भुट्टे की। सबसे अधिक है 1 टिकली वाली आलू की कचौड़ी। आलू की कचौड़ी ये बच्चे और लेडीज अधिकतर खाते हैं, इसमें मिर्ची बहुत कम होती है। और ये मूंग दाल की मीडियम मिर्ची। अच्छा। और ये 2 रेल की पटरी मतलब मटर कचौड़ी, 4 टिकली वाली हींग दाल की कचौड़ी, थोड़ी चटपटी है। और ये लहसुन की 1 रेल की पटरी, सबसे अधिक बिकने वाली, सबसे अधिक इम्यूनिटी बूस्टर टिकली, प्याज की कचौड़ी। तो वही लगवा लेते हैं हम अपने लिए एक कचौरी। भैया एक कचौरी आप भुट्टे वाली लगाओ, आपकी बहुत फेमस है, एक लहसुन वाली भी लगा दो। हाँ दोनों 100 चट्टी। ये कौन सी है भैया? ये भुट्टे बिना निशान। लेते बेटा तो ये आ गई भाई हमारी भुट्टे की कचौरी। ये रेल की पटरी है, एक पटरी है, एक गायब कर दी, एक गायब कर दी। अच्छा बटले में है 2 पटरी। ये लहसुन है तो भाई ये लहसुन वाली भी लगवा ली है हमने। रेट 15-15 है ना? हाँ सब 15। तो भाई भुट्टे की कचौरी और लहसुन की कचौरी, पटरी वाली और बिना पटरी वाली, दोनों हमने लगवा लिए हैं और दोनों का प्राइस 15-15 रुपए है। तो रेट की बात करें तो रेट काफी वाजिब है, नॉमिनल है। तो भाई सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम इनकी भुट्टे वाली कचौरी, जो कि ये बता रहे थे बहुत ज्यादा फेमस है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे सब्जी नहीं दी जाती है, सौंठ और चटनी से ही खिलाई जाती है। तो कचौरी खाने का आनंद आता है ना, वो आनंद आता है सौंठ और चटनी से ही, सब्जी से तो यार उसका स्वाद खत्म ही हो जाता है। और साथ में यहाँ पे प्याज भी दी जाती है। तो भाई ये भुट्टे की कचौरी है, ये इसमें स्वीट कॉर्न है वो यूज किया जाता है। मैं सोच रहा था कि आटा होता होगा भुट्टे का, लेकिन आटा नहीं होता है इसमें, जो भरावन होता है वो होता है स्वीट कॉर्न का, उसमें मसाले मिलाए जाते हैं उसके बाद बनाई जाती है। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें स्वीट कॉर्न का, साथ में मिर्ची भी है। अब ट्राई कर लेते हैं इनकी लहसुन वाली कचौरी, इसमें लहसुन का मसाला होता है। ये देखे भाई, अरे वाह, थोड़ी सी प्याज लगाते हैं और टेस्ट करते हैं इसको भी। भाई लहसुन की कचौड़ी में लहसुन का इतना तीखा फ्लेवर है कि जैसे आप मोमोज की चटनी खाते हो ना, वही वाला फ्लेवर आपको आएगा, बहुत ज्यादा लहसुन होता है। तो लहसुन के प्रेमियों के लिए तो ये बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी खानी है ये वाली कचौड़ियाँ, बहुत सारी वेराइटी है इनके, आप आगे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको आना पड़ेगा इंदौर में, कोठारी मार्केट है, कोठारी मार्केट में महाराजा कचौरी कॉर्नर है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। और टाइमिंग की बात करें तो टाइम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इनकी टाइमिंग रहती है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और इनकी कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।